बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक ऐसी दास्तान का आगाज़ है, एक ऐसे अल्लाह की नबी की दास्तान का आगाज़ है कि जिनको आप कह सकते हैं कि वो पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन वालों की तरफ भेजा गया, एक एतबार से पहले जिन्हें ज़मीन वालों की तरफ भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम का तो मामला मुख्तलिफ था ना, रूए ज़मीन के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हाबील और काबील, वाकया सबने सुना है, काबील ने हाबील को कत्ल किया। आगे बढ़ते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बुत परस्ती अपने उरूज पर थी, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। तो इस एतबार से मैंने कहा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन वालों की तरफ भेजा गया। तो ये दास्तान आप इस एतबार से भी सुनिए कि बाकायदा ज़मीन पर भेजे जाने वाले पहले नबी की दास्तान। और बहुत ज़रा सा गौर करें तो इंसान बहुत हैरान हो इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर। अच्छा, ये वो वक्त है कि जब उम्रें बहुत तवील हुआ करती थी, कद भी बहुत तवील हुआ करते थे। मुझे ज़ाती तौर पर इतफाक़ हुआ, कभी वक्त हुआ तो आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगा, उस मकाम पर जाने का जहाँ ये हज़रत हाबील और काबील का वाक़या हुआ था। तो मैंने वहाँ पर उनकी कब्र, जहाँ पर मदफन है, जहाँ दफन है, वो जगह देखी है मैंने। तो वो एक तवील कब्र, तो यानी कद भी बड़े हुआ करते थे। और उम्र में बाइबल और दीगर रिवायात के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दसवीं नस्ल में तशरीफ़ लाए, यानी उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के इलावा रूए ज़मीन पर शायद एक भी अहले ईमान नहीं था। तो आप इस ये कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, आप सोच सकते हैं कि लिटरली एक अकेला आदमी और सामने एक भी हम ख्याल आदमी नहीं है, एक भी हम ख्याल आदमी नहीं है। ऐसे माहौल में नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज किया। यानी क्या, यानी लोगों से कहते थे कि देखो तुमने जितने खुदा बना रखे ये सब मखलूक हैं, तुम्हारे अपने हाथों के बनाए हुए हैं, जबकि खुदा खुद तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा ही नहीं पूरी कायनात का खालिक है। लोग ये बात समझते भी थे, जानते भी थे, मानते भी तुम में से बहुत सारे। रुकावट ये थी कि अगर बाकायदा मान लिया तो फिर जो पूरा सिस्टम था ना, पूरा इबादत का और मुआशी निज़ाम से फारग हो जाता, इसलिए कि आवाम इबादत करते थे और जो उस वक्त के जो मजहबी लीडरान थे उनको बेवकूफ़ बनाकर अपने माल और दौलत में इजाफा करते थे, चढ़ावे वगैरह और ये सब कुछ। मामला यहाँ तक पहुंचा कि कुरान के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम, ये बड़ा सख्त है सुनिएगा, अल्लाह के नबी की ये के साथ ये सुलूक, ये बड़ी तौकीर। कुरान के मुताबिक अल्लाह के नबी जहां जहां से गुजरते नूह अलैहिस्सलाम, लोग रास्ता कतरा के गुजर जाते। आप सोच सकते हैं, इमेजिन करें मैं और आप कहीं जा रहा हूँ और इंटेंशनली हमें देख के कोई आदमी अपना रास्ता तब्दील कर ले, हाउ इंसल्टिंग इट इज, यानी हमारी कितनी ईगो एड होगी इससे ना, और हम क्या और हमारी औकात क्या, ये अल्लाह के नबी की बात हो रही। आगे अर्ज करूं, यह भी होता था कि जिन लोगों से आप बात करने की कोशिश करते थे ना, वो अपना चेहरा चादरों में छुपाकर मुंह फेर लेते और कहते कि हमसे बात ना करो, हमने हमने नहीं सुनी तुम्हारी बात। आगे अर्ज करूं, इस दर्जा गुस्ताखी करते थे कुछ लोग के अपने कानों में उंगलियां ठोस कर कहते थे कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं कि कहीं हम तुम, मैं तो अब अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, कहीं आपकी बातों से हम गुमराह ना हो जाए नऊज़ बिल्लाह। यानी अजब आलम था, एक जात थी और सामने पूरी इंसानियत थी, और कोई एक ऐसा नहीं था जो कबूल करना तो दूर की बात, बात सुनने को तैयार हो जाता। फिर आप रिलेट करें, मेरे और आप जैसे किसी फर्द को अगर इस किस्म की जिम्मेदारी दी जाए कि भाई किसी इलाके में जाना है, कोई पैगाम पहुंचाना है, तो हम जाएंगे। अगर हम चले भी गए, एक सिरे से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, बहुत तीर मार लेंगे, घर घर जाकर पैगाम देंगे, हफ्ता दस दिन महीना लगाएंगे, फिर आकर कह देंगे कि भाई हमने सबको पैगाम पहुंचा दिया है। अब अगर लोगों ने इनकार कर दिया तो हम अपने पैगाम में ये भी शामिल कर लेंगे कि भाई हमारी बात किसी ने नहीं मानी, बात खत्म। नूह अलैहिस्सलाम की जात के हौसले और सब्र का तसव्वुर करें, उनको ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने अकेले तने तनहा पूरी इंसानियत को एक अल्लाह की तरफ दावत दी, दावत देने का आगाज किया। कुछ दिन गुजरे, कुछ हफ्ते गुजरे, दिन हफ्तों में गुजरे, यह महावरतन कहते हैं ना, इट एक्चुअली हैपेंड इन दिस केस, नूह अलैहिस्सलाम के केस में एक्चुअली हुआ, हफ्ते दिन हफ्तों में कन्वर्ट हुए। तबलीग कर रहे हैं आप, लोग नहीं मान रहे,
हफ्ते महीनों में कन्वर्ट हुए, तबलीग कर रहे हैं आप, लोग नहीं मान रहे। महीने सालों में कन्वर्ट हुए, तबलीग कर रहे हैं आप, लोग नहीं मान रहे। साल अशरों में कन्वर्ट हुए, 10 साल तबलीग कर रहे हैं आप, लोग नहीं मान रहे। अशरे सदी में कन्वर्ट हो गए, 100 साल तबलीग कर रहे हैं आप, लोग नहीं मान रहे। सदी सदियों में तब्दील हुई, 200 साल 300 साल तबलीग कर रहे हैं आप, लोग नहीं मान रहे। कुरान मजीद ने बताया, सूरह अनकबूत है गालिबन, अगर मैं सही याद पढ़ा आयत नंबर 14 गालिबन सूरह अनकबूत, कुरान मजीद ने बताया कि कितने साल तबलीग की नूह अलैहि सलाम ने, तकरीबन 1000 साल। 950 का लफ्ज आया है कुरान में, ये हिंसा आया है कुरान में, ये फिगर आया है 950 ईयर्स। और हैंडफुल ऑफ पीपल थे जो के कन्विंस हुए। आप पेशेंस का अंदाजा कर सकते हैं इस हस्ती की, कि क्या कहने नूह अलैहि सलाम के, क्या क्या अजमत है नूह अलैहि सलाम की। ये लोगों का ये रवैया जो कि हमारे हमें इंसल्टिंग लगे, हम जैसे गुनाहगार लोगों, और फिर कंसिस्टेंसी, लोग मुंह फेरते रहे। और सिर्फ ये नहीं, कंसिस्टेंसी, यानी अगर मैं ये कहूं कि लोग उनके साथ ये अमल करते थे और वो इस पर सब्र करते थे, तो भी शायद ठीक ना हो, नहीं वो उससे भी आगे की मंजिल थी। मैं क्यों कह रहा हूं, आगे अर्ज करूंगा। तुम्हारा लोग मुंह फेरते रहते हैं। अल्लाह का ये नबी चाहता था कि लोग जहन्नुम से बच जाए, वो चाहता था कि कौम अजाब से बच जाए, वो गम से भरा हुआ था। यहां तक कहा गया कि नूह, नूह क्यों कहते हैं उनको, नूह क्यों कहते हैं, लव फरमाया, लव्ज निकला है नूह, नौहे से, नौहा करने वाला, गिरिया करने वाला, रोने वाला, गमजदा होने वाला। अपनी अकवाम, अपनी कौम के लिए इतने गमजदा हुए, नाम नूह पड़ गया, नौहा। आप अंदाजा कर सकते हैं इस हस्ती की अजमत का, नूह अलैहि सलाम की। गमजदा होते थे कौम के लिए, नहीं माने ना मानने वालों ने, नहीं माने। तो बस ईमान लाने वालों में इनके 3 बेटे थे, बाज रिवायात के मुताबिक कुछ और लोग थे। और अब आसमान वाले ने गोया नजर की, क्या हुआ, दिलों को देखा, और गोया आपको अंदाजा हो गया कि जिन्होंने ईमान नहीं लाना ना, वो ईमान नहीं लाएंगे, ये लोगों ने ईमान नहीं लाना, यानी। और ये 1, 2, 5, 10 साल में डिसाइड नहीं हुआ, 950 साल तो बहुत होते हैं ना इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, 950 साल की बात कर रहा हूं मैं, ये तकरीबन 10 सदियां 1000 साल है। तो अब जब ये लगा कि अब ये जिन्होंने ईमान नहीं लाना, वो ईमान नहीं लाएंगे, तो फिर आपने फिर एक बहुत बड़ा मामला तय कर दिया गया। इतना बड़ा मामला तय कर दिया गया कि इससे पहले ऐसा मामला कभी नहीं हुआ था। इतना बड़ा मामला तय कर दिया गया कि गोया कयामत से पहले ऐसा मामला दोबारा नहीं होगा। अब बस्ती वालों ने जब मंजर देखना शुरू किया, अब बस्ती वालों ने देखा कि वो नूह अलैहिस्सलाम कि जो आप सोचे ना 950 साल है तो जनरेशंस बड़ी हो गई, यानी पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई ना। वो नूह अलैहिस्सलाम जिनको हम सुबह शाम रात एक ही काम करते हुए देखते हैं, दावत तबलीग, दावत हक, बुतों को ना मानो, बुतों को ना पूजो, एक अल्लाह की मानो, सुबह शाम रात जिसके हम ये करता हुआ देखते हैं, और जिनके जिनसे हम तस्दीक करने के आदि हो गए, अब वो ये काम नहीं कर रहे हैं, अब वो कुछ और काम कर रहे हैं। अब उनकी मसरूफियत ये कम और दूसरी मसरूफियत ज्यादा है, और वो ऐसी मसरूफियत है जो कि वो लोग देख रहे हैं तो उनको कुछ सेंस नहीं बना रही कि ये क्या है, इसका क्या मकसद है, ये क्या कर रहे हैं। So, अजब नहीं कि बस्ती के लोग अब इकट्ठे हुए हों और आपस में सोचा हो कि डिस्कस किया हो, मैं तश्मीर तसव्वुर से सोचता हूं तो ये मंजर सामने आता है कि भाई कुछ देखा है ये नूह अलैहिस्सलाम, ये नूह अब क्या कर रहे हैं, ये दावत तबलीग तो नहीं कर रहे उस अंदाज से पहले की तरह, बल्कि अब तो इस नए काम में मशगूल हो गए। अजब नहीं किसी ने तजिया किया हो कि शायद ये काम करने की वजह से शायद अब किसी और ही माइंडसेट में है वो, इसलिए जो है ना वो एक अमल कर रहे हैं। ये ऐसा क्या अमल है जो बस्ती वाले अब नूह अलैहि सलाम को करते हुए देख रहे हैं, और ये ऐसा अमल है जो तारीख में से पहले नहीं हुआ, और ये ऐसा अमल है जो कि उस जमाने के लिहाज से बहुत ही स्ट्रेंज है, बजाहिर समझ में भी नहीं आ रहा कि इसकी लॉजिक क्या बनती है। जाहिर लॉजिक थी, बजाहिर समझ में नहीं आ रहा कि इसकी लॉजिक क्या बनती है, और ये वो क्या अमल है कि जो कि अल्लाह ताला ने तय किया है। कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।